हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम एडिट। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज के स्टेटस में थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ, उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो सुन लो गाइस। क्या इन्फॉर्मेशन है? हम इस चैनल पर प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रमोशन अगली वीडियो से होगा, इस वीडियो से करते, लेकिन यार अगली वीडियो के अंदर हमने बोला था, लेकिन बहुत बंदों ने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा, क्योंकि हमने उस वीडियो के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट हमने बोला था वो किसी ने कंप्लीट नहीं किया, तो इस वजह से हम प्रमोशन नहीं कर रहे गाइस इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अगली वीडियो से प्रमोशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है गाइस वो सुन लो गाइस। तो रिक्वायरमेंट सुन लो गाइस, देखिए पहला तो है गाइस इस वीडियो को लाइक करना होगा, और दूसरा है गाइस इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना गाइस, और एक ही कमेंट करना गाइस, ठीक है। और तीसरा है गाइस इस वीडियो को फुल वॉच करना, मतलब शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, ठीक है। और चौथा है गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए, तभी ठीक है ना, तभी हम यार उस बंदे का प्रमोशन करेगा जिसका भी नाम आता है गाइस, ठीक है। नाम यार ऑटोमेटिकली निकलेगा, किसी का भी नाम आ सकता है गाइस। उस चैनल जिस चैनल का नाम आएगा उस चैनल का हम प्रमोशन कर देंगे अगली वीडियो के अंदर, आपने समझ लिया होगा गाइस। और प्रमोशन कैसे करेंगे, जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चैनल का लिंक देंगे और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेंगे, ठीक है ना गाइस। और हमारी कम्युनिटी टैब है, उसके अंदर भी हम उस चैनल का लिंक देंगे, ठीक है ना। जो भी बंदे का नाम आता है उस चैनल का लिंक देंगे गाइस, ठीक है। और हमारे 40,000 सब्सक्राइब बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपके भी सब्सक्राइबर यार बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप प्रमोशन करवाते हो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। जो जो रिक्वायरमेंट है गाइस वो सुन लो, वापस एक बार वापस बता देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना होगा, दूसरा गाइस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना है, ठीक है ना। और तीसरा गाइस एक प्यारा सा कमेंट करना होगा गाइस, और एक ही कमेंट करना होगा। और चौथा है गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए, ठीक है ना गाइस। उसके बाद में हम प्रमोशन करेंगे जिस पे बंदे का नाम आता है गाइस, ठीक है। और अब आगे का प्रोसेस आगे बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेटस नहीं देखा होगा, तो स्टेटस देख लीजिए गाइस। तो हे गाइस, आज के स्टेटस आपको कैसे लगा? स्टेटस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के लाइक हम रखते गाइस 200 लाइक, पता गाइस आप कर दोगे तो दबा के लाइक कीजिएगा। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे एडिट कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हेलो गाइस, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम अलाइट मोशन। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्टली अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मोड वर्जन चाहिए तो, ठीक है ना। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में ये दो प्रोजेक्ट रहेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, पहला रहेगा एम एस एडिट बिटमैप प्रोजेक्ट, और दूसरा है एम एस एडिट इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद में सबसे पहले तो आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, यहां से वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, और ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर देखिए गाइस, यहां पर जो ये रेक्टेंगल रहेगा नीचे नीचे, इसको ऑन कर देना। अभी जो देख सकते हो आपके लिरिक्स कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो मैं इसको ये हाइड रहेगा, इसको ऑन करना है। ऑन करोगे तो आपके जो ये है अच्छे से दिखेंगे, जो देख सकते हो गाइस बहुत ही शानदार दिख रहा है, जो लिरिक्स भी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये लिरिक्स का आपका फॉन्ट चेंज नहीं किया तो फॉन्ट चेंज कर लेना, मेरे तो यार हिंदी के अंदर दिख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश के अंदर दिखे तो आपको करना क्या होगा, इसी लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, डबल एटैक्स पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाना यहाँ पे, और ये वाला फॉन्ट आप डाउनलोड कर लेना। इस फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करो ना। डाउनलोड करने के बाद ऐड करो ना, उसके बाद में चेंज करना। जैसे आप चेंज करोगे तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको फॉन्ट ऐड करना भी नहीं आता, डाउनलोड करना भी नहीं आता है गाइस, तो ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल को चेकआउट कर लेना गाइस, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको करना क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड फोटो ऐड करना होगा, तो सबसे पहले बैकग्राउंड फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका फोटो बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ये वाला मेरे को फोटो बैकग्राउंड ऐड फोटो ऐड करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए गाइस ये बैकग्राउंड आपको कहाँ पे रखना है,
तो यहाँ पे आपके लिरिक्स यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है गाइस, इस बीट मार्क तक, ठीक है। तो इसी बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना, ये बैकग्राउंड यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब आपको करने क्या होगा गाइस, अब इस बैकग्राउंड को आपको नीचे लेना होगा, तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना है और इस बैकग्राउंड को आपको इस रेक्टेंगल के नीचे ले लेना है, ओके यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अपनी फोटो ऐड करनी होगी जिस पे भी आप वीडियो एडिट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो ऐड करने के लिए फिर से आपको स्टार्टिंग के अंदर आना है, प्लस पे आना है, क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस। जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ से फोल्डर ओपन कर लिया और देख लेता हूँ गाइस कौन सी फोटो मेरे को ऐड करना है। तो गाइस मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जाना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ओके गाइस। अब आपको करने क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, अभी इस फोटो को ऐसे कैसे रहने देना, और उसके बाद में देखिए फोटो आपको कहाँ तक रखना है, लिरिक्स आपके कहाँ तक है वहाँ तक चले जाना। पहले तो आपके लिरिक्स यहाँ तक है, इस बीट मार्क तक, 6.16 सेकंड तक, इस फोटो पे क्लिक करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, ओके। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इस फोटो को आपको क्या करना होगा गाइस, देखिए गाइस इस प्रकार से होल्ड करके रखना है, फोटो को दबा के रखना, और इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो आपने अभी बैकग्राउंड लिया इसके जस्ट ऊपर लाके इसको फोटो को रख लेना। अभी फोटो आपकी कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अब इस फोटो के अंदर आपको इफेक्ट लगाना होगा गाइस। अब कौन सा इफेक्ट लगाना गाइस, यहाँ से आपको पहले बैक जाना है, बैक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ पे फर्स्ट के अंदर देखिए नीचे नीचे ये वाला लेयर रहेगा गाइस, इस लेयर पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो आपने फोटो ऐड करी है ये वाली, इसी फोटो पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देंगे, और ये जितने भी इफेक्ट रहेंगे ये हाइड रहेंगे, तो इनको इस प्रकार से आपको ऑन कर देना, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ऑन कर देना, अब आपकी फोटो बहुत ही शानदार तरीके से दिखने लग जाएगी, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपके लिरिक्स भी दिखने लग गए, फोटो भी दिखने लग गए, ओके। अब आपको करना क्या होगा गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर एक इफेक्ट और लगाएंगे गाइस, ठीक है, जो आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, जो इसमें थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज होता रहता है, वो इफेक्ट ऐड करना है। वो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ से आपको फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद में यहाँ से इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। और यहाँ पे देखिए सेकंड ये वाला लेयर रहेगा, फर्स्ट के अंदर ही ये वाला लेयर, इस लेयर को आपको कॉपी करना है। तो इस लेयर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस लेयर पर क्लिक करना है और कॉपी लेयर पर क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस लेयर पर क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना, ओके गाइस। उसके बाद में ये लेयर आपको कहाँ तक रखना है, यहाँ पे आ जाना गाइस, इस बिट मार्क तक, ठीक है। आपके लिरिक्स सारे यहाँ तक आ जाना और इसी लेयर पे आपको क्लिक करना, जो अभी आपने ऐड किया उस स्पीड पे क्लिक करना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, ओके। अभी आप इस फोटो के अंदर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है, देख सकते हो गाइस। इसमें कलर वगैरह भी थोड़ा बहुत चेंज होने लग जाएगा, जो देख सकते हो आपकी जो ये फोटो, इसमें यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, अभी देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है गाइस, ठीक है, फोटो आपका, और बहुत ही शानदार तरीके से इफेक्ट भी आ रहा है। अब जो ये लिरिक्स है ना गाइस, इनके अंदर आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। तो इफेक्ट कैसे ऐड करना है, लिरिक्स वाले लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, और एक इफेक्ट रहेगा जो हाइड रहेगा, इसको ऑन कर देना। तो इसके अंदर देखिए एक इफेक्ट आ गया जो बहुत ही शानदार है। इसी प्रकार से जितने भी लेयर है इसमें इफेक्ट जाके ऑन कर देना, जितने भी लिरिक्स है ना गाइस इनके सभी के आपके जो इफेक्ट है उसको ऑन कर देना, हाइड रहेगा इस प्रकार से। देखिए लास्ट है, तो इस प्रकार से, ओके, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। जो मेन मेन काम था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया गाइस, ठीक है, अब देख सकते हो, ओके। उसके बाद आगे जाना गाइस, आगे यहाँ पे बीट मार रहेंगे, यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा, उसके बाद इस जगह आ जाना आपको, ठीक है, इस बीट मार पे आ जाना है, जो टाइमिंग देख लो 9.16 सेकंड पे आ जाना। और यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लो गाइस वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आपको देखिए ये वाला लेयर है, ठीक है, जो ग्रुप वाला है, देखिए 9x16 लिखा हुआ है और इधर MS एडिट लिखा हुआ है, इस वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करना, एडिट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जो आपने दिल के अंदर फोटो वगैरह देखी हुई होगी आपने, तो इनके अंदर आपको फोटो ऐड करना होगा। अब कैसे फोटो ऐड करना है, तो सबसे पहले तो ये वाला आ रहा है MS एडिट, इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा, फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो इस भी फोटो पे आप वीडियो बना रहे हो उस वाली फोटो को ऐड करना। तो गाइस मेरे को ये वाली फोटो ऐड करना है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको करना क्या होगा गाइस, अभी देख सकते हो ये गाइस ये फोटो यहाँ तक है, इस फोटो को यहाँ तक एंड तक करना होगा, इसी फोटो पे क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, यहाँ तक आ जाए। अब आपको करना क्या होगा गाइस, इस प्रकार इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना और नीचे की तरफ लाके इसको रख देना। तो अभी देख सकते हो गाइस फोटो आपके दिल के अंदर आ गई। अब आपको इसको थोड़ी सेटिंग करनी होगी इसके अंदर।
अब सेटिंग कौन सी करनी, इसी फोटो पे आपको क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफर पे जाएंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक करना और इस प्रकार से इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेना होगा ताकि आपकी फोटो इस दिल के अंदर अच्छे से दिखे। ठीक है, तो मैंने ले लिया गया इस, ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको ऐड कर लेना, उसके बाद यहाँ से आपको पैक आ जाना। ठीक है ना, जो फर्स्ट जो दिल का काम आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड आपको कंप्लीट करना ये वाला। ठीक है, सेकंड लेयर है हम एडिट वाला, ये सेकंड वाला लेयर है, इस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लो गाइस, जो ये वाला लेयर है ना गाइस, ये वाला, इस लेयर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद फिर से एडिट ग्रुप पे क्लिक करना। ओके, अब आपको यहाँ पे फिर से आपको अपनी फोटो ऐड करना होगा, सेकंड फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको अपनी सेकंड फोटो ऐड कर लेना। तो देखिए गाइस कौन सी फोटो ऐड करूँगा, करता हूँ मैं गाइस ये वाली फोटो ऐड कर लेते हैं गाइस। ओके, ये वाली फोटो, ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस फोटो को इस प्रकार से देखिए, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए गाइस ये फोटो यहाँ तक गया, अभी इस फोटो को एंड तक करना होगा, तो इस फोटो पे क्लिक करना, इस वाला आइकन पे क्लिक कर देना, एंड तक आ जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद में आपको फिर से क्या करना होगा, इस फोटो को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, नीचे की तरफ लाके इसको छोड़ देना। जैसे छोड़ोगे आपकी फोटो दिल के अंदर आ जाएगी। अब इस फोटो को हम फिर से सेटिंग करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, इस फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक रखना और इस प्रकार से स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ लाना है, स्क्रॉल करके। ठीक है, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है, अगर ये फोटो आपके अच्छे से नहीं दिखे तो इसकी थोड़ी सी साइज कम कर लेनी, तो यहाँ पे साइज वाले पे क्लिक करना, उसके बाद में इसकी साइज आपको इस प्रकार से थोड़ी सी कम कर लेनी गाइस, ताकि आपकी फोटो इसके अंदर अच्छे से दिखे। देख सकते हो गाइस, थोड़ी और कम करेंगे, और कम करेंगे गाइस, ताकि आपकी फोटो अच्छे से दिखनी चाहिए। ठीक है ना गाइस, तो दिल के अंदर आपकी फोटो जितनी अच्छी दिखेगी उतना बढ़िया रहेगा। उसके बाद में फिर से आपको ऊपर वाले इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ऊपर की तरफ इस फोटो को इस प्रकार से आपको सेट कर लेना। ओके, उसके बाद में बैक आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड आपका जो दिल का काम भी कंप्लीट हो गया, देखिए फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे एक दिल और आएगा, अब इसका काम आपको कंप्लीट करना होगा। तो नीचे नीचे वाला लेयर दिख रहा होगा, ये वाला लेयर, इस लेयर पे आपको क्लिक करना और यहाँ पे एडिट ग्रुप पे क्लिक करना। उसके बाद में देखिए ऊपर ऊपर वाला ये वाला लेयर है, इस लेयर पे आपको क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग के अंदर आना है, अब आपको सेकंड फोटो ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको अपनी अगली फोटो ऐड कर लेना गाइस। कौन सी फोटो ऐड करना है वो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ये वाली फोटो, चलो ये वाली फोटो ऐड कर लेते हैं गाइस। ठीक है, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और ये फोटो अभी यहाँ तक है, इसको एंड तक लेना होगा। फोटो पे क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, एंड तक आ जाएगी फोटो। ठीक है, उसके बाद इस फोटो को दिल के अंदर लेना है, तो इस प्रकार से होल्ड करके रखना, फोटो को नीचे की तरफ लाना, दिल के अंदर आ जाएगी फोटो। उसके बाद इस फोटो में सेटिंग करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, फोटो को स्क्रॉल करके इस प्रकार से इस दिल के अंदर लाएंगे, अच्छे से सेट करना। ओके, ये फोटो अभी बहुत बड़ी दिख रही होगी, तो इसकी थोड़ी साइज कम कर लेते हैं ताकि ये फोटो अच्छे से दिखे इसके अंदर। तो यहाँ पे साइज पे क्लिक करना और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे गाइस, ताकि आपकी फोटो अच्छे से दिखे। ओके, तो देख सकते हो गाइस, और उसके बाद में इस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, हल्का सा इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे इधर, और फोटो आपकी अच्छे से दिखेगी। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, और बैक आना है, उसके बाद और बैक आना है। ओके, उसके बाद और बैक आना है। अब आप देखोगे गाइस, देखिए वापस में वो जो मैंने छोड़ा था इस यहाँ पे आ जाना, वो देख सकते हो गाइस, इसके अंदर आपकी फोटो आ गई जो अच्छे से ऐड हो गई गाइस। ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड के अंदर आपने देखा जो लाइटिंग वगैरह वो आते हैं, वो कैसे करना होगा कि इन लेयर के नीचे आना, और जो देखिए गाइस ये तीन लेयर रहेंगे, ये हाइड रहेंगे, इन तीनों लेयर को इस प्रकार से आपको ऑन कर देना। ठीक है, तो जो देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर जो लाइटिंग वगैरह और पार्टिकल वगैरह आ गए, अब आपकी वीडियो इस प्रकार से बन जाएगी, जो बहुत ही शानदार तरीके से दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अब आपके बीट मार रहेंगे, यहाँ पर आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना। ठीक है ना, अब आपको एक फोटो में ऐड करके भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे आगे भी बीट मार रहेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी आपको फोटो ऐड करना। तो मैं गाइस एक फोटो आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, बाकी फोटो आप ऐड कर लेना, सबको आता है अच्छे से कैसे ऐड करना। तो यहाँ पे आ जाना 6.16 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको जिस भी फोटो जो भी फोटो ऐड करना वो फोटो सेलेक्ट कर लेना फोल्डर। उसके बाद में यहाँ पे मैं ये वाली फोटो ऐड करना, फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना, फुल साइज हो जाएगी। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, जो फोटो कट जाएगी गाइस। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एंड तक फोटो ऐड कर लेना, जहाँ जहाँ बीट मार के गए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस।
सो ओके गाइस, मैंने सभी फोटो यहाँ पे ऐड कर लिए गाइस। अब देखिए इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, कौन सी फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगेगा, कौन सी फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगेगा गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है 6:16 पे, ये वाली फोटो, ठीक। अब इस फोटो के अंदर मेरे को कौन से इफेक्ट लगाना है इस बिट मार्क पे, तो यहाँ से आपको बैक आना और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको जो देखिए देखिए सेकंड नंबर पे जो फोटो आ रही है, इस फोटो पे आपको क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस लेयर पे क्लिक करना और कॉपी लेयर पे क्लिक करना, ध्यान से देख लेना गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद जो आपकी सबसे फर्स्ट वाली फोटो कहाँ पे आ रही है वहाँ पे चले जाना। देखिए गाइस 6:16 पे आ रही है गाइस, ठीक है, 6:16 पे आ जाना और उसके बाद फोटो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए पेस्ट स्टाइल, ठीक है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद ये तीन ऊपर रहेंगे, इनको हटा देना इस प्रकार से, उसके बाद में पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा जो देख सकते हो, ठीक है, जो देखिए बहुत ही शानदार तरीके से इफेक्ट आ रहा है। ओके, इसी प्रकार से आपको सेकंड फोटो पे भी इफेक्ट लगा देना, और ये इफेक्ट आपको कैसे कहाँ तक लगाना वो देख लो गाइस, टाइमिंग देख लो, 6:16 से लेके और यहाँ तक ये इफेक्ट लगाना होगा जो मैंने तरीका बता दिया। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, देखिए लास्ट वाली फोटो है ये वाली, फोटो पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे देखिए प्लस लेयर पे क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल है यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले आइकन पे, और तीनों ये लेयर रहेंगे इनको यहाँ पे इस प्रकार से रहेंगे, तो इनको हटा देना और पेस्ट कर देना। ओके गाइस, तो इनके अंदर इफेक्ट लग जाएगा। ओके, यहाँ तक ये इफेक्ट लगा देना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आगे जाओगे, यहाँ पे आपने काम पहले कंप्लीट कर लिया और इस बिट मार्क पे आ जाना गाइस 13 पे, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, ठीक है ना, यहाँ से आपको बैक जाना, बैक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे तीन नंबर वाली फोटो रहेगी ये वाली फोटो, फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस 13 पे। तो देखिए गाइस मैं 13 पे आ गया हूँ, 13 पे आने के बाद फोटो पे क्लिक करना है और उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, और ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना वो टाइमिंग देख लो, 13 से लेके गाइस और ये इफेक्ट आपको कहाँ तक लगाना वो टाइमिंग दिखा देता हूँ गाइस आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये इफेक्ट आपको इस बीट मार्क तक जितनी फोटो आ रही देखिए मैं बता देता हूँ आपको इस बीट मार्क तक, ठीक है, मतलब 23:54 यहाँ तक आपको ये इफेक्ट पेस्ट कर देना इस प्रकार से, ठीक है ना। ओके गाइस, यहाँ तक इस बीट मार्क तक ये इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना जो मैंने टाइमिंग बता दिया, और उसके बाद ना 23:54 पे ये वाली फोटो मिल रही है गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, यहाँ से आपको बैक जाना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और जो लास्ट वाली फोटो रहेगी ये वाली गाइस, ठीक है, तो इस वाली फोटो पे आपको क्लिक करना है। तो गाइस इस वाले फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद आप थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना, ठीक है ना, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। उसके बाद बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस, जो देखिए बता देता हूँ आपको टाइमिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइस। तो यहाँ पे आ जाना गाइस, आपको इस बीट मार्क पे आ जाना, इस बीट मार्क पे आ जाना गाइस 23:54 पे आ जाना, और इस बीट मार्क पे ये फोटो है गाइस मेरी, ठीक है ना। फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो देख सकते हो। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना टाइमिंग देख लो, 23:54 से लेके और लास्ट वाली फोटो रहेगी गाइस आपके 29:28 तक, ठीक है, इस फोटो तक आपको ये वाला इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस। फाइनल गाइस आपका वीडियो पूरा कम्प्लीटली बन जाएगा। अब इसके अंदर अपना लोगो ऐड कर लेना गाइस, लोगो ऐड करना सभी को आता है, अगर आपको नहीं आता तो मेरी पुरानी वीडियो देख लेना गाइस, उनके अंदर मैंने डेडिकेट पूरी वीडियो के अंदर मैंने बता रखा कैसे आपको लोगो ऐड करना अपना, ठीक है। लोगो ऐड करने के बाद अब आपको वीडियो को सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे सेलेक्ट करना है, उसके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, और उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन है वो सेलेक्ट करना है, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा वो रख लेना, तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा, तो मैं 1080 रख लेता हूँ, इसको फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी क्वालिटी को फुल कर देना, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरी 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पर क्लिक कर देना, आपकी वीडियो गाइस गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।